आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश लेकर आई हूँ आपके चेहरे को निखारने के लिए, आपके चेहरे पर पिंपल्स रिंकल्स की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम कोई भी फेस वॉश यूज कर लेते हैं या फिर कोई भी साबुन वगैरह हम अपने फेस पर लगा लेते हैं तो हमारे फेस पर रिएक्शन हो जाता है या फिर हमारे फेस पर पिंपल्स रिंकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दाने भी निकल कर आते हैं, बहुत लेडीज़ों को ऐसा होता है क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज़ों के कॉमेंट पढ़े हैं। तो गाइस मैं भी आपको बता देती हूँ, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनके साथ ऐसा होता है, जिनकी स्किन पर जो है जल्दी से जो केमिकल होता है, क्योंकि केमिकल तो आजकल सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आ ही रहा है, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि केमिकल जो है हमारी बॉडी या फिर हमारा फेस जो है एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमारे कारण जो हमारे फेस पर पिंपल्स या फिर दानों की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है हमारे फेस पर जो है जैसे कि हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो खुजली होती है या फिर हमारी स्किन ड्राई होती है या फिर हमारी स्किन जो है इक्वल नहीं होती है। तो आज मैं बताऊंगी कि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है घर का बना हुआ बहुत ही बेस्ट वाला साई फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल घर पर बिल्कुल फ्री में मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी रानी राजाओं के टाइम पर होता था, वो जो है इन चीजों को यूज करते थे अपने फेस को वॉश करने के लिए, अपने फेस को खूबसूरत बनाने के लिए, और उनका फेस होता भी बहुत खूबसूरत था क्योंकि वो जो है ऑर्गेनिक चीज़ें यूज किया करते थे। और जी आज मैं आपके लिए भी ऑर्गेनिक फेस वॉश लेकर आई हूँ बिल्कुल फ्री में। देखिए गाइस मैं जो है 1 से 2 हफ्ता अपने फेस को उसी फेस वॉश से यूज कर रही हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि आप इस फेस वॉश को कैसे बना सकते हैं, बनाना भी बहुत ईजी है और जी लगाना तो है ही ईजी। और जी मैं बताऊंगी कि आप जो है इस फेस वॉश को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और आप जो इस फेस वॉश को तुरंत भी बना सकते हैं, यानी कि जब आप अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हो तब भी आप इसको बना सकते हैं नो प्रॉब्लम। या फिर सबसे ईजी और बेस्ट तरीका है कि आप इसको किसी भी कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में बनाकर स्टोर कर ले। तो मैं बताती हूँ बहुत ही कम चीज़ों से आप फेस वॉश घर पर कैसे तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल मज़ेदार, यानी कि आपके फेस को चमकाने वाला, बिल्कुल आपके रंग को गोरा करने वाला फेस वॉश आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मैं क्या कहने वाली हूँ। जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेने हैं एक खाली बाउल, यानी कि मैं तो इसको अभी बाउल में मिक्स करूँगी, फिर जो है एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर लूँगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट बाउल में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो बाउल में बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है एयर टाइट कंटेनर में भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी पाउडर, तो 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ मैं, ठीक है। और मैंने जो है इसको ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, यानी कि बता रही हूँ आपको। आप चाहें तो जितना आपको बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है चीज़ों को ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं छोटा चम्मच हल्दी ले रही हूँ और ये हल्दी जो है वाइल्ड हल्दी है, यानी कि कस्तूरी हल्दी है, ठीक है। घर की हल्दी आपको नहीं लेनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको घर की हल्दी नहीं लेनी है। और जी जैसे कि मैंने बताया आपको, 1 चम्मच मैंने जो है मुल्तानी मिट्टी ली थी वो मैंने भर के नहीं ली थी, यहाँ पर मैं भर के जो है बेसन ले रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने जो है मुल्तानी मिट्टी से ज़्यादा बेसन इसमें ऐड किया है। और जी इन 3-4 चीज़ों को पहले तो अच्छे से हमें मिक्स करना है। और एक चीज़ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, आप अपने फेस पर बहुत जल्दी निखार चाहते हैं और अपने दाग धब्बों को लाइट अप करना चाहते हैं, तब आप इसमें चंदन का पाउडर ऐड करें। 1/2 चम्मच आप इसमें चंदन का पाउडर ऐड करें, ठीक है, वो बहुत ही बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच चंदन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और जी देखिए इससे हमारे फेस पर बहुत अच्छे से फ्रेशनेस आएगी और हमारा रंग बहुत अच्छे से निखरेगा और हमारे जो दाग धब्बे हैं वो भी अच्छे से लाइट अप होंगे। तो ये 3 से 4 चीज़ें आपको अच्छे से मिक्स करनी है, और कुछ इसमें ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, तब मैं बताती हूँ आपको कैसे यूज करना है। आपकी स्किन ड्राई है
तब मैं आपको बताऊंगी इसमें आपको क्या ऐड करना है और आपकी स्किन ऑयली है तब आपको कैसे यूज करना है। यूज करने का तरीका जो है वो अलग है, तो इसलिए प्रॉपर वीडियो को आपको देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और जी एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, जब भी आप अपने फेस पर इसको अप्लाई करोगे यानी कि अपने फेस को वॉश करोगे तब आपको थोड़ा सा इसमें हनी ऐड करना है, जैसे कि आधे से भी आधा चम्मच आपको हनी लेना है। और जी फिर जो मैं ऐड करूँगी वो आपको ऐड करना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी किस तरीके से आपको इसको बनाना है। यानी कि एक तरीके से ये बनाकर तो हमने रख लिया है, इसको स्टोर कर लें आप एयर टाइट में। और जी आप जो है इसको ऐसा नहीं है फ्रिज में आपको रखना है, डोंट वेरी, आपको फ्रिज में नहीं रखना है, लेकिन हाँ थोड़ी ठंडी एरिया में आपको इसको रखना है, ठीक है। और जी जब भी आप अपने फेस को वॉश कर रहे हो तो इस तरीके से आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने छोटा चम्मच लिया है अपने हाथ पर, इस तरीके से देख सकते हैं। और इसमें जो है आपको ऐड करना है, देखिए आपके दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है तब आपको इसमें थोड़ा सा टमाटर का रस को ऐड करना है इस तरीके से, और आप हनी इसमें ऐड करें, हैं आपके पास तो ऐड करें, नहीं है तो स्किप करें, ठीक है। और जी आपकी स्किन, अब जो है मैं बताती हूँ स्किन कैसी है आपकी, आपकी स्किन यानी कि आपको जो है, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ कि आपकी ड्राई स्किन है तब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, या फिर ऑयली स्किन है तब आप क्या करेंगे, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तब आप क्या करेंगे। तो देखिए आपकी ड्राई स्किन है तब आपको इसमें ऐड करना है दही या फिर कच्चा दूध, ठीक है, दही या फिर कच्चा दूध आप इसमें ऐड करेंगे। लेकिन आपकी स्किन ऑयली है तब आप यहाँ पर रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल जो वाटर आता है वो आप, यानी कि नॉर्मल जो पानी है वो आप यहाँ पर लेंगे और इसके इसको जो अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तब जो है आप दूध लें कच्चा और इसमें ऐड करें और अपने फेस पर अप्लाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं ना ही दूध ले रही हूँ, एक तरीका बता रही हूँ, मैं जो है यहाँ पर टमाटर ले रही हूँ और टमाटर के साथ इसको लगा रही हूँ यानी कि बना रही हूँ और अपने फेस पर लगाऊंगी इस तरीके से। ना ही मैंने इसमें दूध ऐड किया है, ना ही मैंने इसमें दही ऐड की है, मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। अब वो क्यों ऐड किया है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए टमाटर जो है हमारा ब्लीचिंग का काम करेगा, और आप कहीं भी जा रहे हो तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, यानी कि अपने फेस पर जो है जैसे कि मैं बता रही हूँ इस तरीके से अपने फेस को धो सकते हैं, तो आपको कोई रेमेडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई फेशियल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ब्लीच की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपको इसको पहले तो लगाना है और फिर करनी है अच्छे से मसाज, मसाज कम से कम 3 से 4 मिनट आपको करनी है इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये जो मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है ना, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो इसलिए, और मैंने अपने फेस पर अभी जो है कुछ ट्राई नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ जो मेरे फेस पर धूल मिट्टी है गंदगी है तो वो अच्छे से जो है निकल जाए, यानी कि अच्छे से रिमूव हो जाए और मेरा फेस जो है फ्रेश फ्रेश फील हो और खूबसूरत दिखे। तो मैंने 4 चांद लगाने के लिए इसमें टमाटर को ऐड किया है, आप चाहें तो स्किप करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है दही आप ऐड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी या फिर रोज़ वाटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर कच्चा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया है वैसे आप कर सकते हैं। और आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, कहने का मतलब ये है आप कहीं जा रहे हो और आपने ना ही कोई ब्लीच की है, ना ही कोई रेमेडी यूज की है और ना ही अपने फेशियल को यूज किया है, तब आपको आधा टमाटर लेना है, उसी के साथ आपको इतना पैक आपका बन जाए इतना टमाटर आप रस आपको इसमें ऐड करना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है, मसाज करनी है। तो देखिए मैंने जो है 2 मिनट इसको मसाज किया है, और आप जो है 3 कर लें 4 कर लें जितना टाइम है आपके पास उतना आप कर लें, उसके बाद अपने फेस को धो दे और आप देखोगे ग्लो भी भर के आएगा और रंग भी बहुत अच्छे से निखरेगा, आपके चेहरे की जितनी भी गंदगी है अच्छे से गायब हो जाएगी। तो अभी मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ और रिजल्ट आपके साथ दिखाती हूँ। चलिए गाइस सिर्फ अपने फेस को धोकर आती हूँ, धोकर आ गई हूँ और चेहरा भी निखर रहा है, बहुत अच्छे से ग्लो भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फेस को, हाथों को, गर्दन को भी धो सकते हो अपने फेस वॉश के साथ, यानी कि इस फेस वॉश के साथ, ठीक है। अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लेना है और फिर आप चाहे तो मेकअप कर सकते हैं, आप चाहे तो मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, सनस्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है, कोई मॉइस्चराइजर कोई क्रीम नहीं लगाई है अभी तक मैंने, और निखार और ग्लो भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, क्योंकि हमने इसमें ब्लीचिंग
क्योंकि हमने ब्लीचिंग एजेंट इसमें ऐड किया है, यानी कि टमाटर का रस डाला है जो कि बेस्ट होता है हमारी स्किन के लिए। तो इस तरीके से आप फेस वॉश को ज़रूर से यूज करें, और ये फेस वॉश आपको कैसा लगे आप जो कमेंट ज़रूर से करें। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।